स्कूटर को देखिए, और इसको देखते ही आपको पहली नजर में इस स्कूटर से प्यार हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राइट रसल पर। आज यहां हल्द्वानी में लॉन्च हुआ है यामा का प्रीमियम स्कूटर यामा फैसिनो, और जिसकी डिटेल्स और वॉक थ्रू के लिए हम लोग आए हैं यहां यामा के शोरूम में जो है ABS मोटर्स, और इसकी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगर आप यामा का एक शानदार और प्रीमियम स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो आपको हल्द्वानी में शोरूम पे कॉल करना पड़ेगा या अपने नज़दीकी अपने यामा के शोरूम में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं यामा ने इस प्रीमियम स्कूटर में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो दोस्तों ये खड़े हैं आपके सामने यामा का नया लॉन्च्ड BS6 फैसिनो का मॉडल, और अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आपको मिले हैं। तो दोस्तों फैसिनो में नए लॉन्च 3 कलर्स हैं, जिसमें से बीच में आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है सुआवे कॉपर, और लेफ्ट हैंड साइड पर है विविड रेड, और राइट हैंड साइड पर है येलो कॉकटेल। और आप इनको देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले कलर्स हैं और बहुत ही खूबसूरत स्कूटर है। तो दोस्तों ये है नया BS6 फैसिनो स्कूटर। आइए बात करते हैं इसके डिटेल्स की। तो इस अपडेट में सबसे पहले आपको मिलता है एक स्मार्ट मोटर जनरेटर, जो है स्कूटर को आपके साइलेंट स्टार्टिंग के लिए, यानी आप जब स्कूटर को स्टार्ट करेंगे तो ये कब स्टार्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मैंने चाबी घुमाई और ये हो गया स्टार्ट। तो स्टार्ट होते टाइम पे पता ही नहीं चलता कब ये स्टार्ट हो गया हमें बिल्कुल। इसमें बहुत साइलेंट फीचर दे रखा है, और इसके अंदर आपको एक और नई चीज़ मिलती है जो है साइड स्टैंड ऑटो कट ऑफ। तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊं, फिर से स्टार्ट करके दिखाता हूं आपको। तो ये अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और जैसे ही आप इसका साइड स्टैंड खोलेंगे तो साइड स्टैंड खोलते ही ये गाड़ी बंद हो जाएगी, ये गाड़ी हो गई बंद। तो ये इसमें एक नया फीचर दे रखा है साइड स्टैंड ऑटो कट ऑफ का, जो काफ़ी एडवांटेजियस है, और एक सेफ्टी फीचर भी है कि आपकी गाड़ी साइड स्टैंड खोलने के बाद स्टार्ट नहीं होगी, तो जिससे आप एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक और नया फीचर दे रखा है, वो है स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का, जिसको ये लोग SSS भी बोलते हैं। यानी अगर आपका इंजन 5 सेकंड के लिए अगर आप लोग कहीं पर आइडलिंग करते हैं तो आपके इंजन एक कट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये फीचर भी यहाँ मैंने दे रखी है जो काफ़ी आपका फ्यूल सेव होने से बचाती है। तो जैसे मैंने अभी स्कूटी स्टार्ट कर दी है और अब ये आइडलिंग मोड पर है, तो 5 सेकंड होने के बाद ये स्कूटी अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये हो गई स्कूटी बंद। ये यामा की तरफ से सबसे पहला 125 सीसी का स्कूटर है। अभी तक यामा के पास इतने बड़े इंजन का कोई भी स्कूटर नहीं आता था। इस खूबसूरत इंजन से आपको पावर मिलती है 8.2 PS की, जो BS4 वर्जन से 1.1 PS ज़्यादा है। पहले इसमें पावर आती थी 7.1 PS की, इसका टॉर्क भी बढ़ गया है इस अपडेट के बाद। नया टॉर्क हो चुका है 9.7 न्यूटन मीटर का, पहले इसमें आता था 8.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको टायर साइज भी बदल दिया गया है। अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट में इसको आपको इसमें आपको नया टायर मिलता है जो है 12 इंच का, और पहले इसमें आता था आगे और पीछे दोनों 10 इंच के टायर। हालांकि पीछे के टायर साइज़ में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वो अभी भी 10 इंच का ही है, मगर ये नया 12 इंच का आगे का टायर आपको चलाने में और भी ज़्यादा शानदार फीलिंग देगा। दोस्तों इसके अलावा इस अपडेट में इसको मिली है एलॉय व्हील्स, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ब्लैक कलर की खूबसूरत एलॉय व्हील्स हैं आगे के पहिए में, और पीछे के पहिए में भी आपको एलॉय व्हील्स मिलती हैं। पहले वाला मॉडल जो आता था वो सिर्फ स्टील ड्रम के साथ आता था, तो अभी हम लोग देखेंगे इसका पहले वाले मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसकी सीट हाइट बढ़ा दी गई है। पहले इसकी सीट हाइट आती थी 775 mm की, अब इसकी सीट हाइट हो गई है 780 mm की, जो पिछले वर्जन से 5 mm ज़्यादा है। तो जब आप इस स्कूटर में बैठेंगे तो ये चीज़ आपको पता चलेगी कि जब हम नीचे पैर रखते हैं तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का डिफरेंस खुद से आपको मालूम पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस पहले से 15 mm बढ़ा दिया गया है। पहले स्कूटर आता था 130 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, और अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 145 mm का। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप अपने शहर के छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स पर बहुत इजीली इस स्कूटर को निकाल सकते हैं। इस अपडेट के बाद इसमें आपको जो इंजन मिला है वो इंजन है एल्यूमिनियम डाईकास्ट का, जो आपको 60% बेटर कूलिंग देता है। पहले से इसकी कूलिंग इंप्रूव हो गई है, और इस नए इंजन के साथ इसका वज़न 4 kg घट गया है, जो नया वज़न हो गया है अब 99 kg का। तो ये अपडेट इसको सबसे हल्का स्कूटर बनाती है। अगर आप कॉम्पिटिशन की बात करें, आप सबके वेट चेक कीजिएगा, ये अपडेट उन सब के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा वेट में कम है।
तो इसको चलाने के बाद आपको इस स्कूटर से माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। बात करूँ इसके फ्यूल टैंक की और अंडर सीट स्टोरेज की, तो मैं आइए आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें आपको एक नई अपडेट मिलती है कि अब जो यहाँ पर पहले इसमें चाबी लगती थी, वो चाबी लगने वाला जो सिस्टम था वो इन लोगों ने इसमें काफ़ी बदल दिया है। और यहाँ पे आपको एक ऑल फंक्शन स्विच मिल गया है, जिसमें आपका आपकी सीट भी यहीं से खुलती है। आपको बस वो घुमाना है और आपकी ये सीट खुल गई, तो बहुत इजीली ये सीट खुल जाती है। इसमें आपको अंडर सीट स्टोरेज वही मिलता है 21 लीटर का, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मगर फिर भी मैं आपको देख के बता दूँ कि अंडर सीट स्टोरेज काफ़ी बड़ा है और इसमें आप आराम से अपनी जो भी डेली की आपकी चीज़ें ले जानी है वो आप आराम से इसमें स्टोर कर सकते हो। ये आपका पेट्रोल टैंक है, इसमें हालांकि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे और अपडेट्स में अगर आप बात करते हो सुजुकी एक्सेस की या होंडा एक्टिवा की 125 की, तो उन सब में ये फ्यूल टैंक लेट बाहर की तरफ दे दी गई है, मगर इसमें यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो ये इसी के अंदर ही है। मगर उसके बाद भी ये बहुत ईजिली आप इसको खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। और हम लोग सीट बंद करते हैं तो इसकी सीट भी बहुत ईजिली बंद हो जाती है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। आप जब इसे बैठेंगे तो आप ये पाएंगे कि पहले के कंपैरिजन में ये सीट भी काफ़ी सॉफ्ट कर दी गई है। तो आप जब इसको चलाएंगे तो आपको ये काफ़ी कंफर्ट देगी। आप नीचे की तरफ देखेंगे जहाँ पे इसमें पैर रखने का पोर्शन है, वो पैर रखने का पोर्शन भी चेंज हो चुका है। पहले इसमें अलग डिज़ाइन की रबर की मैटिंग आती थी, अब ये मैटिंग चेंज कर दी है। यहाँ पर एक पहले पॉकेट आती थी जिसमें आप अपना छोटा मोटा सामान, मोबाइल वगैरह या कुछ रख सकते थे, अब वो उन्होंने अपडेट में हटा दिया है। मगर उसके बावजूद ये स्कूटर पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस BS6 अपडेट में जो ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है वो आपको 30% ज़्यादा पावर देता है, और इसका माइलेज इस नए इंजन के साथ पहले से बढ़ गया है, और वो बढ़ गया है 16% पहले से ज़्यादा। इस अपडेट में इसकी सीटिंग पोजीशन भी इम्प्रूव कर दी गई है, यानी पहले आपको थोड़ा सा झुक के बैठना पड़ता था, अब आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ के इस स्कूटर को चला सकते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ वॉक अराउंड वीडियो है, इसमें हम लोग खाली इसके फीचर्स की बात करेंगे, हर तरफ से इसको देखेंगे। मगर आगे चल के हम लोग जब इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे तो मैं आपको इसके टेस्ट राइड के भी एक्सपीरियंस बताऊंगा कि चलाने में कैसा है, और 125 होने के बाद यामा फेसिनो में हमको कैसी पावर मिलती है। बात करूँ इसके प्राइसेस की, शुरुआती कीमत इसकी है 66,430 एक्स शोरूम डेली प्राइसेस से। आप अपने शहर की प्राइसेस अपने नज़दीकी डीलर पर जाके पता कर सकते हैं, और ये स्कूटर आपके शोरूम पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, आइए इस प्रीमियम स्कूटर के लुक्स को देखते हैं डिटेल में। अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ क्रोम के फिनिशिंग मिलती है। इसमें आपको ये पहले से काफ़ी बदल दी गई है, पहले इसमें सेंटर में आती थी और अब ये दोनों तरफ लगा दी गई, तो आपको काफ़ी खूबसूरत दिखती है। इसमें आपको हेडलाइट देखेंगे तो इसकी हेडलाइट का साइज़ ही बड़ा कर दिया गया है, और साइज़ बड़ा करने के बाद इसमें इसके चारों तरफ भी एक क्रोम का पूरा पार्ट दे दिया गया है, जो इसके लुक को और ज़्यादा खूबसूरत करता है। हालांकि इसके अंदर आपको जो लाइट मिलेगी वो वही हैलोजन लाइट मिलती है, और इसके इंडिकेटर्स भी हैलोजन है, मगर उनकी पोजीशन थोड़ी सी अलग कर दी गई है। इसका फ्रंट फेंडर है वो मेटल का है, और पुराने वाली में ये फाइबर का आता था तो ये मेटल का कर दिया है, इसमें अपडेट है। उसके बाद हम इसको अगर साइड से देखें तो साइड में इसमें जो क्रोम के इंसर्ट्स हैं वो पहले भी यहाँ पर थे, मगर इनका शेप थोड़ा सा बदला हुआ है। इसके बाद इसमें सबसे खास जो चेंज है वो है इसका पीछे की तरफ से। तो ये आप देख सकते हैं, इसका पीछे का पोर्शन पहले से लंबा कर दिया गया है, और काफ़ी एरोडायनेमिक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी रियर ग्रिप पहले से चौड़ी कर दी गई है, और अभी ये आती है मैट ब्लैक फिनिश में। इसमें आपको साइड में लिखा हुआ मिलेगा बहुत ही खूबसूरत क्रोम के लेटर्स में फेसिनो, और ये इसकी खूबसूरती को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। आइए हम लोग देखते हैं इसके फ्रंट को। तो इसमें जो मीटर है वो मीटर ही बदल दिया गया है। इसमें आपको हालांकि डिजिटल मीटर नहीं मिलता है, मगर उसके बाद भी ये मीटर पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके आप अगर फ्रंट का पोर्शन देखेंगे तो फ्रंट का पोर्शन ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें आप ये पूरा प्लास्टिक टेक्सचर में कर दिया गया है। पहले ये थोड़ी सी सिंपल फिनिश में थी, तो ये पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है और इसको काफ़ी खूबसूरत बनाती है। अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो इसके मिरर्स जो क्रोम कोटेड मिरर्स हैं वो इसकी हेडलाइट को और कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप ओवरऑल इस स्कूटर को देखते हो तो ये स्कूटर आपको एक प्रॉपर प्रीमियम फील देता है। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप शोरूम पर जाइए, इस स्कूटर को देखिए, और इसको देखते ही आपको पहली नज़र में इस स्कूटर से प्यार हो जाएगा। और ना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आशीष भाई आप गलत बोल रहे थे। तो मैं इस वीडियो को दोस्तों आज यहीं ख़त्म करता हूँ, और मैं बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग बात करेंगे फेसिनो BS4 और BS6 के चेंजेस की। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।